14 तारीख को वेस्ट बंगाल के मलमा जिला के तुलसीहटा इलाके में एक दुकानदार के घर पर डकैती हुई, जिसमें चोर उस मालिक के घर की अलमारी तोड़ के 8,65,000 नकद और 25 बोरी सोना लेके चले गए। 14 तारीख को झारखंड पुलिस स्थापना सह अलंकरण दिवस पर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। साथ ही नक्सली संगठन को छोड़कर मुख्यधारा में लौटे 13 वर्ष की लड़की बालमुनि को भी सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, बालमुनि को बाल आरक्षक का नियुक्ति पत्र भी दिया गया। इसी दिन वाराणसी के नंदनगर कॉलोनी में एक रशियन महिला के ऊपर एक युवक ने तेजाब डालकर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। विदेशी महिला वाराणसी के सर सुंदरलाल अस्पताल में इलाज करा रही है। आपको बताया है कि इसमें हमने केवल पार वालों को, सिद्धार्थ श्रीवास्तव के परिवार वालों को, और सिद्धार्थ श्रीवाला है तो मोस्ट पॉसिबली जो है उसको पूरा ढूंढने का हम लोग। अलीगढ़ में हुए बवाल में मृत गौरव के परिजन मुआवजे को लेकर धरने पर बैठे। उन्होंने दादरी के बराबर मुआवजे की मांग की। झारखंड के हजारीबाग जिले में हो रहे लगातार निजी नर्सिंग होम के लापरवाही के कारण कई मरीजों के साथ खिलवाड़ लगातार चल रहा है। वहीं इस लापरवाही और बिचौलियों द्वारा ठगे मरीजों के साथ घटनाएं बढ़ती जा रही है। मामला बता दें कि इस पर आज फिर एक मरीज के साथ घटना घटी, जिसमें जिला प्रशासन सकते में आ गई। कानपुर देहात पुलिस को कल उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब आरोप प्लान की आड़ में धड़ल्ले से चल रही अवैध नकली शराब की फैक्ट्री पर छापे मार भंडाफोड़ दिया। झारखंड के 16वें स्थापना दिवस पर हजारीबाग में पुराने बस स्टैंड के पास भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। झारखंड राज्य के 16वां स्थापना दिवस और धरती आबा कहे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर राजधानी रांची स्थित सैनिक बाजार में रंग कला का कार्यक्रम हुआ। साथ ही सांस्कृतिक नृत्य भी किया गया। कल भारतीय कलाकार शहीद जाफरी का निधन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा का एक नगीना ब्रिटेन के एक अखबार में शहीद जाफरी के बारे में छपी यह हेडलाइन खुद ब खुद बयां करती है कि भारत ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी उनका कद कितना ऊंचा था। लोक आस्था का महापर्व छठ पूरे बिहार में परंपरागत उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इसमें कई राजनेता भी शामिल है। हालांकि बिहार चुनाव के परिणामों से सभी नेता में उत्साह अलग अलग है। झारखंड की गायों को पहचान पत्र मिलने वाला है। आधार कार्ड की तरह इसमें 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी नंबर होगा। इसे गायों के कान के पास पहनाया जाएगा। ऐसा केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय के निर्देश पर किया जा रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए चरमपंथी हमले को राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलाद ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध बताया है। ऐसे हालात में आमतौर पर सामान्य राजनीति की बातें नहीं होती, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस हमले के दूरगामी राजनीतिक प्रभाव होंगे। पेरिस हमलों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए पेरिस में स्थित डिज्नीलैंड आज बंद रहेगा। यूरोप में डिज्नी के अध्यक्ष टॉम वॉल्बर ने फेसबुक पर यह जानकारी दी। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन ने अंतर्राष्ट्रीय और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच चल रहा मौजूदा पर्थ टेस्ट उनके कैरियर का आखिरी मैच होगा। और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ i9 न्यूज पे। धन्यवाद।